और एक कानून था जिससे हमारा कोई ज़्यादा, एक कचहरी, एक कानून, एक पुलिस, जिससे हमारा करीब हर 15 साल में कोई वास्ता बनता था। पर ये जो इंस्टीट्यूशंस थे ये फिर भी अब एक स्टेट में थे, जो मुझे लगता है कि अब वो स्टेट में ना तो हमारी यूनिवर्सिटी रही, ना तो पुलिस रही, ना तो कोर्ट्स रही, ना तो UGC रही, ना तो एक्चुअली सब, और लोग भी बदल गए। मीडिया का तो आपको हाल मालूम है। हमने जो एक लड़ाई वापस लड़ चुके, एक फाइट बैक कर पाए, वो इसलिए था क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी कम्युनिटी एकजुट रह पाई, उसमें बीच में आपस में वायलेंस नहीं था। तो जैसे कन्हैया ने अपनी स्पीच में कहा था कि हमारे यहाँ का ABVP भी फ़र्क था, ABVP भी हमारे यहाँ जैसे रामजस कॉलेज में करता है, JNU में नहीं कर पाता था क्योंकि एक माहौल फ़र्क था। जैसे हम बदनाम हुए, हमने कोशिश की, और क्योंकि उस वक्त तो मीडिया हमारे खिलाफ थी, पर हमने अपनी एकजुटता से हमने एक पेट्रियाटिज़म का रीडेफिनेशन वी कुड पॉसिबली गिव, एक देशभक्ति का, और हमने कहा कि एक्चुअली इशू नहीं है ये स्लोगन रेज करने का, इशू है हम उस स्लोगन के पीछे और नीचे और अंदर में बात क्या है। जब हम आज़ादी कहते हैं तो हम क्यों कहते हैं कि हमारी संपूर्ण आज़ादी नहीं हुई है। तो ये बात हमने अपनी तरफ से, आप लोग ने शायद ये लेक्चर सुने होंगे, जो हम कर सकते हैं हमने भरपूर किया, और उसकी वजह से, और जब हमारे पास कुछ हमें हर बार उन 3 महीने में हमें कोर्ट से चाहे कुछ हिंदी फिल्म गाने गा दिए हों पर हमें राहत तो मिली, राइट। उस कोर्ट में हम गए और इतने बड़े बड़े सेडिशन चार्जेस में वहाँ बेल मिली, हमारे स्टूडेंट्स के खिलाफ अनफेयर इंक्वायरी हो रही थी यूनिवर्सिटी में, हम कोर्ट गए उस पर स्टे तो मिला, इसमें UGC ने कुछ नहीं बोला। हमने अपनी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को हमने अपने मिल में ये सारे लार्ज गैदरिंग्स करके, पीसफुल गैदरिंग्स जहाँ पढ़ाई लिखाई हो रही थी, हम अपनी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को कह पाए कि आप हम पे क्या क्या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है JNU में, आप पुलिस नहीं बुला सकते हैं। और हमें लगता है कि हमने एक नई परिभाषा हमने दी पब्लिक को, जो नहीं पहुँची, क्योंकि आज भी JNU वाले इतने बदनाम है कि JNU स्टूडेंट अगर सर्दियों में JNU के बाहर जाता है तो JNU की स्वेटशर्ट उतार के रख देता है। अगर दिल्ली पे ट्रेन पे कोई पूछता है कि तुम कहाँ पढ़ते हो, JNU, तो वहाँ शुरू हो जाता है। व्हाट्सएप मैसेज तो आपने सब ने देखे ही होंगे। तो पब्लिक में हम लड़ाई ज़रूर हारे। ये अगर कोई सोचता है कि कन्हैया किस एक स्पीच से JNU के प्रति एक चीज़ बदल, मीडिया में कुछ अंग्रेजी स्पीकिंग मीडिया में और कुछ तरक्की पसंद मीडिया में हमारी छवि ज़रूर बदली, पर हम एटलीस्ट वी मैनेज टू गेट आवरसेल्फ्स इनटू द मीडिया डिस्कोर्स। पिछले एक साल में जो हुआ है कि ये हर चीज़ जिससे हम थोड़ा सा सक्सेस पा पाए कि हम खुले रहें, बिकॉज द प्रोग्राम इज ऑलवेज बीन टू शट डाउन JNU, वो सारी चीज़ें हमारे लिए, हमारे से अब छिनती हुई आ रही हैं, दिख रही हैं। एक तो नंबर वन, वाई डू दे वॉन्ट टू शट डाउन JNU? JNU को बंद करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज वो एक यूनिवर्सिटी है जहाँ आई नो कि एक इम्प्रेशन है कि सिर्फ पोलिटिकल वहाँ बहुत प्रोग्रेसिव है, पर वो ये सिर्फ एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसमें हर साल 600 PhD दलित, आदिवासी, बहुजन लोग, हमारी यूनिवर्सिटी 60% वेमेन है, 7% औरत है, 67% उसमें रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, ऐसे 60% औरत है और 65% बहुजन, दलित और OBC, ST, SC और PWD, माने बहुत जो कैटेगरीज के लोग हैं, क्योंकि हमारी जो एडमिशन पॉलिसी है वो सिर्फ रिजर्वेशन तक निलंबित नहीं है, सीमित नहीं है कि रिजर्वेशन नहीं देते हम अकेला, हम ग्रेस मार्क्स देते हैं जिसको हम डेप्रिवेशन पॉइंट कहते हैं, कि आप जिस कोने से, अगर किस कोने से हैं, अगर आप कोई गरीब कोने से हैं आपका आपको ये पॉइंट मिलेंगे, अगर आप औरत हैं आप कौन से स्कूल में गए उसकी वजह से 12 मार्क एक्स्ट्रा तक हम देते हैं। तो जो सबसे, जब अभी हम हर साल JNU की एंट्रेंस परीक्षा का रिजल्ट देखते हैं तो जो खुशी जो होती है कि हमारी जनरल लिस्ट भी आदिवासी, दलित और SC ST सब इन कैटेगरी से भरी है, क्योंकि सामाजिक न्याय हमारे कोर में है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण जो आज तक किसी को ना किसी को इंस्पायर किया, ना कोई इसके बारे में कर सका, ये छोटा सा उदाहरण भी मिटाना है।
इस देश में एक अनसाइंटिफिक इरेशनल अंधविश्वास के खिलाफ एक ये यूनिवर्सिटी खड़ी हुई है। तो पिछले साल के दौरान में जो हुआ, एक तो जेएनयू वालों का कहीं भी जाना अब बहुत मुश्किल हो गया है। वहाँ अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो जिसका भी नाम ले वो ज़रूरी नहीं है, अगर उमर खालिद का नाम ले या शहला का नाम ले या कन्हैया का नाम ले, वो नाम इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो जेएनयू से हैं। तो एक जो हमारे एक नेटवर्क था, एक सहानुभूति का जो नेटवर्क था बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल, वो सिस्टमेटिकली तोड़ा गया है। हमारे कॉलिग्स पे गोलियां चली हैं, ग्वालियर में हमारे प्रोफेसर सोशियोलॉजी पे गोली चली है, छत्तीसगढ़ में तो आपने सुना ही है कि केस फाइल हुए हैं, रामजस में ये हुआ है। हमारी वजह से अगर हमसे कॉन्टैक्ट रखेंगे, जो आज अभी हुआ था राजस्थान में जोधपुर यूनिवर्सिटी में, जिनको सस्पेंड किया गया, वो ये सस्पेंड किया कि वो आपने जेएनयू में जा कर के किसी को एकेडमिक लेक्चर के लिए इनवाइट कैसे करा। ये अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ हम अपनी तरफ से देख रहे हैं, ये लिखित में भी आ रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जो बॉम्बे में एक आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, जहाँ दीज क्वेश्चंस ऑफ कास्ट एंड इक्वालिटी एट्सेट्रा आर पार्ट ऑफ द करिकुलम, वहाँ उनके डायरेक्टर लिख के बोलते हैं कि प्लीज़ आप लोग प्लीज़ कोई ट्रबल मत क्रिएट किए, क्योंकि हम लोग जेएनयू वाले जैसे तो हैं नहीं। जामिया मिलिया में इस्लामिया में मुझे खुद वहाँ 8 मार्च को मना किया गया है कि हम इनवाइट नहीं करेंगे। और ये क्यों है? क्योंकि ये जो एक डिस्कोर्स कि कुछ जो लोग सवाल करेंगे, चाहे वो कर रहे हों या ना, अभी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है। और आई थिंक हर तरीके से आज जो मीर ने बताया कि किसी ने एक सवाल पूछ लिया फेसबुक पे, उस पर होगा। तो अगर हम ये इनोसेंट से सवाल भी नहीं पूछ सकते, तो योगी आदित्यनाथ से कौन पुलिस ऑफिसर सवाल पूछ पाएगा कि आपने क्यों कहा कि गड़े में मुर्दों को उठारो, उनका बलात्कार करो। सो दिस इज़ टू जो छोटा सा एजुकेशन, क्योंकि अभी इंडिया में फैक्ट्स क्या है, द फैक्ट्स इन इंडिया राइट नाउ इज़ दैट इन यूनिवर्सिटीज़ ओनली 0.5% of students are PhD students. In central universities, it is 3.5%. In JNU, it is 67.5%. This is what they want to finish off. The second thing that happened in the course of the last year is that one, not only did we lose our sense of community, JNU was, through various forces, where I believe the right was in, behind them, pitting them against different universities. So, for example, Hyderabad Central University, जहाँ रोहित वेमुला की institutional murder की वजह से इतना एक बहुत बड़ा students in educational institution का movement बना, उन्हें साथ साथ वहाँ जिस तरीके से उनके खिलाफ अत्याचार discrimination करके, और ये JNU और HCU के बीच में जो university government भागती रहती है उसकी वजह से, जो सबसे I think हमारे लिए दुख की बात है, is that ये पिछला साल हैज़ बीन फुल ऑफ इंटरनल टेरर इन द यूनिवर्सिटी। तो कम से कम 91 इंक्वायरीज पिछले 9 महीने में लॉन्च हुई हैं हर स्टूडेंट को, और वो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉक्टर ऑफ दर प्रॉक्टर रिज़ाइन करते रहे कि क्योंकि कोई सबको जेएनयू में तनख्वाह मिलती है पढ़ाने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए नहीं। टीचर्स सस्पेंड हुए हैं, और एक जो हमने ऑलरेडी हमने सबसे पहले जुलाई ही में देख लिया कि अब जो हो रहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर मैं जाके कंप्लेन कर दूं आपके खिलाफ, या हमारी यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट टू नथिंग होता था और नॉन सेक्सुअल हैरेसमेंट मैटर्स, पर अगर होता तो एक ये यूनिवर्सिटी के अंदर से इंफॉर्मेशन इज सेंट टू बाय आर टी आई क्वेरीज आर सेंट, दे नो दिस इंफॉर्मेशन इज देयर, देन गुवाहाटी से और दिल्ली से, उनके हमेशा बहुत सारे एक तरह के सेक्युलर कैटेगरीज के नाम होते हैं, इन लोगों से आरटीआई फाइल किया जाता है। वो साइमल्टेनियसली आरटीआई मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में फाइल किया जाता है। उस आरटीआई के बेसिस से सीएजी ऑफ इंडिया, कुछ और पैसा नहीं, टाइम नहीं उनको कुछ करने का, सीएजी ऑफ इंडिया ने एक दलित प्रोफेसर, महिला प्रोफेसर जो हार्वर्ड में पोस्ट डॉक में गई थी 2003 में,
और संडे को उनने ज्वाइनिंग रिपोर्ट नहीं दी, उनको डिमोट करने का सीएजी ऑफ इंडिया से जनवरी में ऑर्डर आता है। और ये बार बार अगर कोई किसी सर्वेलेंस, जिस तरीके से हम लोग कोई भी पब्लिक स्पेस में जाते हैं, यू सी डोंट टेक फोटोग्राफ्स ऑफ वीमेन, हमारे यूनिवर्सिटी में कोई जगह अब बाकी नहीं है जहां आपकी फ़ोटो नहीं ली जा रही है। और आप तो, हम लोग तो सब, यू नो, वी आर ऑल एसोसिएटेड मूवमेंट्स टू बी कॉन्स्टेंटली वॉच्ड। तो आप सोच सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में जहाँ बहुत गरीब लोग आते हैं, जो कभी माने यहाँ जे एन यू आने के लिए भी वो उनकी फैमिली कर्जा लेती है एक सेकंड क्लास की, उनके एक दहशत का माहौल और उसमें कौन क्या रहा है। कल मैंने एक्चुअली मिस्टेक की, मैंने कहा कि कल एक दिन था, मैं बहुत खुश थी, 24 घंटे बीते थे कि कुछ नहीं हुआ नया, पर वो हो गया क्योंकि वो शायद मैंने 5 मिनट बाद। एक और चीज़ जो हुई है जो आप समझना चाहिए, यहाँ तो सब हम लोग एक, यू नो, एक सर्टली एडवांस ईयर्स के हैं, कि अगर आप स्पॉटलाइट बहुत यंग पीपल पे इस तरीके से रखेंगे तो झगड़े तो फूटेंगे। और क्योंकि एक एक शोहरत जो मिल गई है उसमें वो शोहरत ज़्यादातर, क्योंकि अब बाकी मीडिया तो हमारी है नहीं, तो सोशल मीडिया जो एक कंट्रोल देती है दैट एनेबल्स अस टू ऑर्गेनाइज, पर वो एक सोशल मीडिया प्रेजेंस ने जो पुरानी हमारी सॉलिडारिटीज थी कि हम साथ बैठ करके आज़ादी चौक में लेक्चर सुनेंगे और अगर कोई भी अरेस्ट हुआ तो साथ बैठ करके हम एक साथ जुट होकर के, जितना हम लोग परेशान थे, पूरा यूनिवर्सिटी घिरा हुआ था, पर जो भी जिसमें भी हिम्मत थी वो यूनिवर्सिटी, और एक दिन के लिए नहीं, वो 10-15 दिन के लिए घिरा रहा, हम साथ बैठे थे सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि एक सर्टन वे ऑफ रीचिंग आउट मिल देता है कि वो प्रेजेंस हैज़ रिप्लेस्ड द फिजिकल प्रेजेंस। और एनीवे इट इज सेफर अगर आप इनके, क्योंकि आप पब्लिक स्पेस में तो नहीं कंट्रोल कर सकते कि आपको, क्योंकि हर वक्त कोई देख रहा है। नाउ इन दिस सिनेरियो, आई मीन दिस इज जस्ट अ सिनेरियो ऑफ वन यूनिवर्सिटी, पर ये जो एक दिस पैनोप्टिकॉन, ये जो एक सर्वव्यापी आँख जो स्टेट की है, सर्वेलेंस करते हुए, थ्रेटनिंग करते हुए, और हर चीज़ में पुलिस का इस्तेमाल होगा, एक कोई भी कॉन्वर्सेशन अब नहीं हो सकता जिसमें सर्वेलेंस, टेरर, द थ्रेट ऑफ डिसमिसल हमारे साथ आज हो रहा है। ये एक्चुअली इंडिया का भाग्य है, एस्पेशली छत्तीसगढ़ और जगह जान लोग फाइट स्ट्रगल में फाइट कर रहे हैं। तो दिस मूवमेंट इन टू द स्पेस, तो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, एंड ऑल सब यूनिवर्सिटीज में हो चुका है, ये हमारा जो इंस्टीट्यूशन है अंदर से खोखला किया जा रहा है। और एक जो हमारे पास साधन बाकी था, विच वॉज द कोर्ट, जे एन यू में ये एडमिशन पॉलिसी को कट करने के लिए, अब क्योंकि अंदर तो लूज करेंगे क्योंकि जे एन यू टीचर्स बिल्कुल एकजुट है, मेजॉरिटी हमारी है, स्टूडेंट्स के साथ अगर मतभेद भी हैं तो इस मामले पे तो बिल्कुल एकता है कि जैसे जे एन यू की जो डेप्रिवेशन पॉइंट सिस्टम है, जो हमारी बेसिकली जिससे हमें नंबर वन यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री बनाया है, वो तो कभी नहीं बदलेगा। और इसलिए आप एकेडमिक काउंसिल नहीं होल्ड कर सकते, जो हमारे एक्ट में जो सारे प्रोसीजर रखते हैं वो उनका सब उल्लंघन माने इस तरीके से हो रहा है कि आप सोच ही नहीं सकते। और एक नई एडमिशन पॉलिसी पास गई क्योंकि यूजीसी ने कहा है, अब यूजीसी को इतना पावर कहाँ दे दिया गया। एनीवे, तो लंबी कहानी है, मैं आपको उससे बोर नहीं करूँगी, बट व्हाट इफेक्टिवली हैपेंड इज दैट वी हैड टू गो टू द कोर्ट, वी ट्राइड एवरीथिंग, देर इज, पहले कहते थे टीना, अब है टीनो, देर इज नो ऑपोजिशन, तो अब टीनों की वजह से पॉलिटिकल मूवमेंट जो हम कर सकते हैं। इन एनी केस हम पे पुलिस केस हो रहा है, हम पे पुलिस कंप्लेंट, हम कितनी पुलिस कंप्लेंट हर जे एन यू फैकल्टी के बारे में, हम लोग तो थोड़े पुराने ज़माने के तो हर चीज़ सारी चीज़ सोशल मीडिया पे तो डालते नहीं है, पर यू नो देर इज़ अ कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ बींग सिंगल आउट एंड रेटर, एज अ कॉन्सिक्वेंस वी हैड टू गो टू द कोर्ट, एंड वी वेंट टू द कोर्ट, वी डिडंट आस्क देम कि आप हमें बताइए कि हमारी एडमिशन पॉलिसी सही है, हमने नहीं कहा कि आप बताइए कि यूजीसी सही है, हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कि हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक हमारे एक्ट के तहत एक प्रोसेस है, प्रोसीडियर है, उसमें आपको एकेडमिक काउंसिल में डिसाइड करना होगा, और कि हम ये डिप्रिवेशन पॉइंट्स नहीं छोड़ेंगे।
हमारे खिलाफ तो स्टूडेंट्स के नाम पे स्टूडेंट्स ने पिटीशन फाइल की और एडिशनल सॉलिसिटर और जनरल ऑफ इंडिया उनके पास कोई टाइम नहीं है विजय माल्या और सबके वो जेएनयू के पांच स्टूडेंट्स के केस के खिलाफ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने आकर के आर्ग्यूमेंट किया है. तो वो एक जो लाइन्स थी जो जेएनयू यूजीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब वो लाइन बिल्कुल फास्ट हो गई है. वी आर बींग गवर्न्ड बाय द संघी स्टेट. नाउ व्हाई आर दे डूइंग इट ऑल्सो. I mean, it is so, we got a very negative judgment. वो judgment तो एक court से, where we expected a fair hearing, वहाँ एक हार गई. Now, what is the game plan? There are two things, and I'll stop after saying this, though I have always a lot to say. But there are two things. एक तो higher education का निजीकरण is the top agenda. और इसमें unfortunately टीना और टीनो का एक sort of गठबंधन है. हायर एजुकेशन का लिबरलाइजेशन यूजीसी ने पिछले साल अनाउंस किया था. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इसमें शामिल हैं और ये तो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम से आ रहा है कि प्राइवेट पब्लिक इनिशिएटिव पार्टनरशिप या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़. अब वो 10 पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ घोषित करने वाले हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो अच्छे कॉलेज हैं उनको ऑटोनमी दी जाएगी, माने कि जो भी फीस आपको चार्ज करनी है रिजर्वेशन आप पे लागू नहीं होगा. देश की आज़ादी के 70 साल बाद हम ये यहाँ तो आपसे कह सकते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फाइनली सीटें भर पा रही हैं. फाइनली 5 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं नौकरियों के लिए. तो एक जो बीजेपी और आरएसएस का जो गेम प्लान है कि एक तरीके से एडमिशन को रिजर्वेशन को इस तरीके से अटैक करो कि जो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं कास्ट के जाट वहाँ जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वो मार्च करेंगे दिल्ली पर और वो अपना तो एक तरह हार्दिक पटेल और उन तबकों के साथ आप रिजर्वेशन को अंडरमाइन करिए. तो ये नहीं है कि आरएसएस कोई लूनेटिक फ्रिंज में बार बार कहता रहता है रिजर्वेशन ख़त्म हो. ये एक बहुत बड़ी साजिश है. एंड दूसरी तरफ से आप एडमिशन इतना कम कर दो क्योंकि रिजर्व्ड कैटेगरी सिर्फ एंटर करती है एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल इनटेक. तो अगर आपके पास एक सीट रहेगी वो तो आज हमें हमारे पास एक सीट भी होती. मेरे डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल साइंस में हिस्ट्री साइंस में पूरे स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में 0 एडमिशन है. कहाँ कौन से स्कूल CSY पूरे हाँ उनके भी गलत हैं एक्चुअली नंबर्स. उनके तो और कम होना चाहिए पर खैर उनको मिल गया गनीमत है. पर रिजर्वेशन को जिस तरीके से अटैक करके उसको ख़त्म करना है. द सेकंड इज दिस लिबरलाइजेशन वेयर ऑटोनमी. सो दीज आर ओल्ड न्यू लिबरल एजेंडाज टू विच वी आर एडिंग दिस फैशिस्ट मिक्स ऑफ हेट्रेड फियर. तो जो हमारे साथ हुआ है वो आप यू कैन इमेजिन हम तो कह भी सकते हैं कि इट्स एन इफेक्ट. पर बाकी देश के लिए बाकी यूनिवर्सिटीज में एमफिल प्रोग्राम्स अब गायब हो जाएंगे और गायब हुए हैं ज़्यादातर. एमफिल क्या डिग्री होती है? वो छोटी सी डिग्री होती है. हम क्यों मेंटेन करते रहते हैं? हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है. अगर हम सिर्फ अमरीका की तरफ देख रहे होते तो हमें लगता कि हमें पीएचडी होना चाहिए, दैट इज़ द ओनली इम्पोर्टेंट डिग्री. हम एमफिल क्यों बरकरार रखते हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि उस डिग्री में जिसमें छोटा सा रिसर्च करो उससे एक ट्रेनिंग पर्टिकुलर ट्रेनिंग मिलती है टीचर बनने के लिए. एंड टू बी एंड वी बिलीव दैट दिस द जॉब ऑफ अ रिसर्च यूनिवर्सिटी इज नॉट ओनली टू डू यू नो हाई फ्लाइंग रिसर्च बट ऑल्सो क्रिएट द टीचर्स फॉर द रेस्ट ऑफ इंडिया. तो जिनको आप देशद्रोही बोल रहे हैं दे आर डूइंग द जॉब ऑफ एजुकेटिंग इंडिया. तो एमफिल डिग्री अगर चली जाएगी तो आपके देश के टीचर्स वही होंगे जो ये लोग चाहते हैं. नेक्स्ट होगा कि अब यूजीसी की एक सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर दी गई है. एज अ कॉन्सिक्वेंस यूजीसी अब हमें बताएगा ना कि हमें क्या पढ़ाना चाहिए, हमें कितना संस्कृत पढ़ाना चाहिए, हमें कितना मनुस्मृति पढ़ानी चाहिए. क्योंकि एक बार जो हमारे हम उस कोर्ट जजमेंट के खिलाफ ज़रूर अपील करेंगे पर द पॉइंट इज कि आपको कोर्ट से एक सिग्नल मिल गया है और ये जो सिग्नल है ये सिर्फ जेएनयू के लिए नहीं. तो अंत में ये बात एक ये जो दुख बड़ी कहानी हमने सुनाई है उसमें मुझे लगता है कि गलतियाँ क्योंकि हम ये बिलीव कर रहे थे कि वही सिचुएशन है और उसमें कुछ एक डिस्टर्बेंस आया उसको हमने करेक्ट किया.
But actually every single institution between last year and this year has become more corrupt, more riddled with cruelty actually. Cruelty is the basis of our policies now and our governance now. And that situation is one that is only going to exacerbate. Which means that the things that we thought could be kept aside, because what has also happened in JNU in this time is that 3 rapes have been committed, right? Which didn't bother. There has been 1 suicide. Right? But because our whole focus has been on countering the state, then all these, as Vrinda so eloquently said, and Uma also, that ye chote chote jo injustices hain, wo khair aap, I mean, kisi aur outsider ke liye choti hoti hain, jinka hota hai to unke liye to bahut. Un sab ko hum actually suppress karte gaye hain, kyunki hum ek bigger enemy hain. And final baat, mujhe lagta hai ki ab jo humne ye ek tarike se jo fight back hua tha, where the discourse of freedom and expression